तो आई एम इनविजिबल की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। वही हमारे दोनों होंग टियन और साथी में हमारा चैन उसके पेट के अंदर फंस चुके थे। तो सामने से वो होंग टियन कहता भी है कि भाई यार कोई एक औरत इतनी पागल कैसे हो सकती है इतना सारा कचरा अपने पेट में रख ले। जो सुंदर चैन कहता है कि वेल यार वो डेमोन इमॉर्टल यहाँ पे बन चुकी है तो शायद यार वो हगती वगती अब नहीं होगी, इसके लिए वो पेट में रख सकती है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, उसका पेट समझो स्पेस रिंग के बराबर है। जो सुंदर होंग टियन कहते लेकिन सच्ची में तुम ही मानो भाई कोई डेमोन वो अपने पेट में सामान यहाँ पे रखे यार ये कहीं से ठीक यहाँ पे नहीं लगता। चैन कहता है भाई यहाँ पे कुछ भी हो जाता है ठीक और ना ठीक का कोई भरोसा नहीं है। दूसरा होंग टियन जो कि पिछवाड़े के रास्ते से निकलने के लिए गया था वो वापस आ जाता है, वो कहता है ही नहीं कोई रास्ता ही नहीं है निकलने के लिए, आगे से तो पूरा ब्लॉक यहाँ पर है। ये लोग कहते हैं समझ गए ये कभी अब हकती वकती नहीं है, इसका बॉडी ऐसा बन चुका है इसके लिए बाहर से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिला है, हमको कोई और रास्ता यहाँ पे देखना पड़ेगा। एक बात तो समझ आ गया जो सुप्रीम बिंग है ना ये उसकी बहुत ही बड़ी दीवानी है और ये नहीं चाहती कि हम कभी भी मिले। और एक मेनू भी उल्टी यहाँ पे आ रही है, शीट यार मैं उल्टी नहीं कर सकता वरना मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, बहुत पहले निकलना ही पड़ेगा वरना मेरे को उल्टी आ ही जाएगी। होंग टियन ना वो कहता मालिक टेंशन मत लो मैं पूरा पावर लगाता हूँ हमला करता हूँ और पेट को फाड़ के बाहर निकल जाता हूँ, मर भी जाएगी साली बढ़िया रहेगा। हमारा चैन कहते हुई तो यार इसको जान से नहीं मारना, हमें इस जिंदा बाहर निकलना है और इसके द्वारा वो जो सुप्रीम बिंग है ना उसके पास यहाँ पर पहुँचना है तो कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। और तभी हमारे चैन के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो सिस्टम से कहते हेलो सिस्टम मेरी बात सुनो। सिस्टम भी कहती छी यार ये कहाँ पे आ गए, ये कितनी गंदी जगह है, कितनी बदबूदार जगह, कितनी चिपचिपी सी है। हमारे चैन कहते हो तो हम किसी के पेट में फंस गए, हम बाद में निकल जाएंगे टेंशन मतलब निकलने के लिए तेरी हेल्प चाहिए। याद है मैं घुई नाम के एक लड़के को हराया था, उसने ढेर सारे बंदोलों की एबिलिटी चोरी की थी तो सारे बंदोलों की एबिलिटी मैंने लौटा दी थी, लेकिन कुछ बंदोलों की एबिलिटी रह गई थी, वो सारे एबिलिटी को तूने छोटे छोटे बोतल में कन्वर्ट कर दिया था, उसमें से एक एबिलिटी थी अपना बॉडी बड़ा करने का वो मुझे देना। सिस्टम कहता जल्दी से ले मेरे को दफा कर भाई, मेरे को ऐसे गंदे पे जगह पे रहा नहीं जा रहा। चैन भी कहता बस 2 मिनट यहाँ पे रुक जा। हाँ तो ये सब कुछ बातचीत करते हुए ना पीछे से दोनों होंग टियन भी देखते हो कन्फ्यूज के, अरे यार ये अकेले में किससे बातचीत करे और हवा में उंगली चला रहे क्योंकि लोग सिस्टम को नहीं देख सकते उन्हें सिस्टम को सुन सकते। हमारा चैन लेता है भाई वो बोतल और लेने वाले यहाँ पे पी लेता है जिससे उसका बॉडी का जो साइज है ना वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है। तो दूसरी ओर जो सांप यहाँ पे थी भाई सांप संभाल नहीं पाती, उसको नाक चाह के भी मुँह खोलना पड़ता है जिससे चैन होंग टियन दोनों बाहर आ जाते हैं, उसके दोनों जो नौकरानियाँ थी ना हिल जाती है। हाँ शायद एक मर गई थी, हो सकता है मरी नहीं थी, बस उसको चोट यहाँ पे लगा था धमाके द्वारा, तो दोनों भी हिल जाते कह रहे बाप रे ये क्या हो रहा है ये साइज में कितना बड़ा है। तो होंग टियन भी बाहर आता और कहता वाओ यार जब तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोन यहाँ पे बन जाते हो कि इंसान का रूप भी ले सकते हो सांप का भी रूप ले सकते हो तुमको कुछ बड़ा करना चाहिए, लेकिन नहीं ये तो बस हमको खाई जा रही है यार लगता है खत्म ही करना पड़ेगा। वो दोनों नौकरानी और भी ज़्यादा डर जाते कह रहे हो माई गॉड यार ये तो हमको खत्म करने के बारे में बोले जा रहे हैं। अपना चैन भी कहता है यार ये ज़्यादा नौटंकी करता है इसकी बात यहाँ पे मत सुनो, चुप जब जो सुप्रीमिंग है ना उसका रास्ता बता दो तो मैं छोड़ दूंगा। जो सुंदर तैयार हो जाती है या हम बताते हैं, हमारा चैन भी लाइक वाओ यार ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी तैयार हो गई बताने के लिए। तो सबसे पहले चैन को अपने मुँह से निकालती है, उसने मुँह से निकाला नहीं था वो तो खुद ही उसके जवान पर आ चुका था, तो निकालती है घुटने पर आती है कहती सॉरी सीनियर गलती हो गई प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए आपको जो पूछना पूछो मैं बताती हूँ। तो हमारा चैन कहता है जो सुप्रीम बिंग है ना उसके बारे में बताना चालू कर, तो ये धीरे धीरे बताना चालू करती है बहुत ही शुरू से कि बहुत ही पहले मतलब बहुत साल पहले मैं बस एक छोटी सी स्नेक थी जो कुल्लू माउंटेन के अंडरग्राउंड में रहती थी, उसी अंडरग्राउंड में जो सुप्रीम बिंग थे ना वो कैद यहाँ पे थे किसी जेल के अंदर, और जैसे मैं पहली बार यहाँ पे मिली थी ना पहली बार मिलते ही समझो मुझे प्यार हो गया था। वो बैठे हुए थे और कुछ तो कर रहे थे कल्टिवेशन कर रहे थे जिसके चक्कर में कई सारा फिगर अपीयर हो रहा था, वो कल्टिवेशन टेक्निक इतनी कमाल की थी कि जो सील यहाँ पे था ना वो सील अनलॉक उन्होंने कर दिया था, लेकिन किसी वजह से चाह के भी वो जेल से निकल यहाँ पे नहीं पा रहे थे, लेकिन वो जो कल्टिवेशन टेक्निक थी जिससे जो फिगर अपीयर हुआ था वो फिगर देखकर मेरे को भी इनलाइटमेंट मिला, जिसके चक्कर में मेरा भी ना कल्टिवेशन धीरे धीरे इंप्रूव हुआ और मैंने भी बहुत ज़्यादा अपना कल्टिवेशन यहाँ पे इंप्रूव कर लिया। लेकिन बाद में एक दिन वो अपने घर में मतलब अपने जेल में जो भी कचड़ा ना वो साफ कर रहे थे और कचरे के साथ ना उन्होंने मुझे भी फेंक दिया था, लेकिन मैंने हार नहीं माना मैंने कल्टिवेशन किया और देखो आज मैं कितनी स्ट्रांग बन गई। ये लोग कहते वाओ वो तुमको कचड़े जैसा यहाँ पे मानता है और एंड में कचरा समझ के फेंक भी दिया, लेकिन तुम उसको गॉड जैसी मानती हो और तुम उसकी पूजा करती हो तुमको शर्म नहीं आता। ये भी कहती है भाई कैसी शर्म वो कमाल के हो स्ट्रांग है वो बेमिसाल है उससे बढ़िया यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ऐसे बंदे को गॉड जैसा मान के पूजा ना करूँ तो किसकी पूजा करूँ। हाँ तो हमारा ये चैन समझाता है कि नहीं यार उसके जो बंदे लोग थे जैसे कि ओयंग हो गया या फिर मेंग हो गया या फिर लाल वालों वाला हो गया वो सबसे मैं मिल चुका हूँ वो सब बहुत ही बुरे यहाँ पे थे, तो ये सुप्रीमिंग अच्छा कहाँ से हो गया ये भी तो बुरा ही होना चाहिए ना। ये भी कहती हूँ सबकी माँ की आँख यार वो सब थे बुरे कमीने लेकिन मेरे सुप्रीम बिन इज द ग्रेट इज द फकिंग ग्रेट उससे बढ़िया कोई भी नहीं है। तो दूसरा हमारा होंग टियन समझाता है कह रहे चैन ये उनकी दीवानी बन
चुकी है, उनकी फैन बन चुकी है। आप कितना भी समझा लो, कितना भी बोलो, ये नहीं समझने वाली है। तो प्लीज इसके समझाने पे ध्यान भी मत दो। हमारा चैन भी कहता है यार अब इसके समझाने से कुछ नहीं होगा। फिर हमारा चैन उसी से सवाल पूछता कि एक बात मुझे बताओ, मैंने ये सुना है वो नए नए बंदे लोग को अपनी टीम में लेना चाहता है, लेकिन तुम उनको नए बंदों को अपनी टीम में आने से रोक रही हो, मगर क्यों? अगर तुम इतनी बड़ी फैन हो, इतनी बड़ी सपोर्टर हो, तो ये कहते क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा कोई और भी उनके ज्यादा पास यहाँ पे जाए। जो भी बंदे यहाँ पर आए मैं सबके सीनियर यहाँ पे बनूं, इसलिए मुझे सीनियर बनने का शौक है, इसलिए मैं किसी को जल्दी आने देती नहीं। जो कमाल करा उसको आने दूंगी और उसको भी अपने जूनियर यहाँ पे बनाऊंगी। हमारा चैन भी लाइक अरियर ये तो कुछ ज्यादा ही दीवाने उसके पीछे यहाँ पे पड़ चुकी है। फिर सामने से वो ये भी पूछती मुझे बताओ तुम भी सुप्रीम बींग से मिलना चाहते थे, क्यों तुमको उनका डिसाइपल बनना है क्या? जो सुंदर अपना चैन मुंडी हिलाता और कहता ना यार मुझे उनका डिसाइपल नहीं बनना। तो लड़की भी कहती बहुत ही बढ़िया यार, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम यहाँ पे बने, अगर तुम बनने जाओगे तो मैं लड़ाई करूंगी या तुम्हारे सामने जीत नहीं पाऊंगी, थैंक गॉड तुम नहीं बनने वाले हो। हमारा चैन कहते यस मैं डिसाइपल बनने नहीं आया हूँ, मैं उसके साथ ना फाइट करने आया हूँ और फाइट करके उसको हराना चाहता हूँ। लड़की हिल जाती क्या, देखो यार डिसाइपल विसाइपल अगर बनने आए हो तो ठीक है, मैं नहीं रोकूंगी, तुम जाओ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी जूनियर बन जाऊंगी, तुम सीनियर बन जाओगे चलेगा, लेकिन वो फाइट यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। होंग टियन कहते ज्यादा हो गया, तुझे लगता है हमारे लॉर्ड यहाँ पे ज्यादा करते हैं? साले चुप हो जा, तेरा मुंह यहाँ पे फाड़ देंगे, पिछले बार फाड़े नहीं थे। जो सुनते हमारे चैन कहते अरे शांत हो जाओ यार, गुस्सा मत कर। हाँ तुम बोलो यार तुम क्या बोल रही थी? वो कहती आप लड़ाई करना चाहते हो ना सुप्रीम बींग के साथ, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? आई नो बड़े कमाल के हो, लेकिन इतने भी कमाल के नहीं हो जो आप उनको हरा सको, क्योंकि वो इमोर्टल महानाया लेवल पर है जो कि बड़ा हार्ड होता है, और इस लेवल पर उनके अलावा मैंने किसी और को नहीं देखा है। लड़ाई करने जाओगे हार जाओगे, अच्छे बंदो जाके रिक्वेस्ट करो कि भाई डिसाइपल मुझे बनना है, वो डिसाइपल यहाँ पे बना लेंगे। जो सुनते ही ना होंग टियन कहता है कि वेल यार तू ज्यादा बकवास मत कर, और हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, तू बस उठे और रास्ता यहाँ पे दिखा। तो ना चाहके भी इसको रास्ता दिखाना पड़ता कि चलो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हमेशा की तरह सेम बात बोलूंगा कि हफ्ते में दो चैप्टर आते हैं, दोनों मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, अगला आएगा अगले हफ्ते, तो मिलते हैं अगले हफ्ते वाले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।